एम्स जम्मू में जो भी पेशेंट्स आएंगे, तो तीन तरह के पेशेंट हम लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक जो ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, जिनको डायरेक्टली ओपीडी में, जो हमारा मेन ओपीडी ब्लॉक है वहाँ पे दिखाया जाएगा। दूसरे तरह के पेशेंट जो वॉक इन पेशेंट होते हैं, जो डायरेक्ट आते हैं, उनको पहले फिल्टर ओपीडी या स्क्रीनिंग ओपीडी जिसको हम कहते हैं, जो कि आयुष ब्लॉक के अंदर एस्टैब्लिश किया हमने, पहले वहां पर आना पड़ेगा और यहाँ पर डॉक्टर देखने के बाद उनको वापस से उनको रेफर करेंगे मेन ओपीडी में। तीसरे, अगर कहीं भी किसी भी जीएमसी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी भी पीएचसी से अगर रेफर होके आते हैं, वो पेशेंट भी डायरेक्टली मेन ओपीडी में आ सकते हैं। एंड इसी तरीके का जो इमरजेंसी आईसीयू ग्राउंड फ्लोर पे है, इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे एक जनरल आईसीयू है जो कि 20 बेडेड है। एंड उसमें 4 आइसोलेशन रूम्स हैं, जिसमें एक नेगेटिव प्रेशर रूम है एंड 3 पॉजिटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम है। एक प्रोसीजर रूम है हमारा इनसाइड द आईसीयू इटसेल्फ, और इसी तरीके से टोटल 193 बेड्स। रिसेप्शन रिसेप्शन पे रजिस्ट्रेशन होगी पेशेंट की, उसके बाद वो ट्रियाज काउंटर पे जाएंगे। तो ट्रियाज काउंटर में पेशेंट वही दूर जाने एरिया डिवाइड होंगे, रेड जो क्रिटिकल होंगे, उसके बाद येलो कम क्रिटिकल और ग्रीन जो वॉकिंग बॉन्डेड है, यहाँ पे देखिए फॉर्म एक ऐसा हमारा, तो उसके बेस पे ये लोग सारे वाइटल्स देखते हैं। इस बेस पे ये सारे वाइटल्स ये लोग देखेंगे, इसके बेस पे जैसे रेड एरिया का पेशेंट है, येलो एरिया का, ग्रीन एरिया का पेशेंट, तो यहाँ से चेक होकर पेशेंट अंदर चला जाएगा। यहाँ से जैसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है वो एंटर यहाँ से जाएंगे। हमारे रेड एरिया के दो पार्ट्स है, एक तो रजिस्ट्रेशन रूम है, एक रेड एरिया है। जैसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है तो ये जो है कि हम शिफ्ट करेंगे रेड एरिया में। ये हमारा रजिस्ट्रेशन रूम है, यहाँ पे हर बेड पे हमारा एक वेंटिलेटर है, हर मॉनिटर है, हर बेड अलग अलग है। पर यहाँ पे रजिस्ट्रेट होगा पेशेंट, उसके बाद शिफ्ट होके यहाँ से पूरा डायग्नोस्टिक हम करेंगे, इमीडिएट मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे पेशेंट को ओटी जाना है, आईसीयू जाना है या किसी और वार्ड में शिफ्ट करना है, या डाउन ट्रेन होगी किसी येलो एरिया में, ग्रीन एरिया में भेजना है।